उन्होंने एक नए आंदोलन, नई क्रांति की, गरीब भाइयों के लिए, परिवारों के लिए एक रात की शुरुआत की है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं पूरा समझ तो नहीं पा रहा था, योगेश जी बोल रहे थे, पर चंदू भाई जी बोलते कुछ कुछ समझ पा रहा था। एक बात समझा, पता नहीं गलत है या ठीक है, कि पाकिस्तान की बात की कि वहां भी जमीनों पे कब्जा कर लो, शायद ऐसा ही था कुछ, ऐसा ही था। और ये समझा मेरे मतलब की बात थी, वो समझ गया। प्रथम रात ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना सीपीआई, प्रथम राष्ट्र। और इनको ये जरूर बताना चाहूंगा, बचपन से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं, बहुत हमले हुए मेरे सामने, मेरे जवान बम्बों गोलियों से किसी का सिर उड़ता हुआ देखा, किसी की शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखे, और मन के अंदर बड़ा पीड़ा रहती थी कि ये लड़ाई समाप्त कब होगी और हम खुल के कब लड़ेंगे, शहादते होगी। आजकल बड़ी चर्चा है, आजकल बड़ी शहादत हो रही है, पहले ऐसा नहीं था। और बड़े बड़े चैनलों पे जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आते हैं, हमारे टाइम पे तो 300 थे, आपके टाइम पे तो 500 हो गए, इनको पूछो साले लड़ने गए थे वहां पे वर्दी पहनकर, हम रोटी खाते हैं, कारोबार चलते हैं, इंडस्ट्री चलती है, हिंदुस्तान के गांव गांव में आप लोगों को एक खाने पीने का रोजगार का जरिया बनाते हैं, क्या चीज आप नहीं बनाते हैं, आपके अंदर क्या गुण नहीं है, जो आपके अंदर गुण है, क्योंकि आप यहाँ के, आप रूटीन में है, आपको क्या पता, वो तो मैं बता सकता हूं, पूरे देश में जाता हूं, दिखावे हैं, झूठ है, ड्रामे हैं, इस मातृभूमि पे बोझ है, रोज ही बोझ बनते हैं। पर गुजरात, महाराष्ट्र ये कैसी धरती है जिसने पूरी भारत माता का हम सबको का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है, गुजरात। कितने नरेंद्र मोदी जी दुनिया में बहुत घूमे, दिल्ली बैठते ही नहीं, दुनिया में घूमते रहते, इनको ये नहीं पता पहली बार हुआ है कि दुनिया के अंदर इस भारत माता का नाम ऊंचा हुआ है दुनिया के अंदर। पहली बार राजनीतिक मतभेद हो सकते पॉलिटिकल पार्टियों के, मैं टकसाली कांग्रेसी हूं, पर प्रथम राष्ट्र कांग्रेसी बाद में, प्रथम राष्ट्र आज नहीं तो कल जाना है इस मातृभूमि के चरणों में, प्रथम राष्ट्र। पहले क्या दुनिया के अंदर ऐसा था, हिंदुस्तान का जलवा था दुनिया के अंदर, किसी स्टेट का कोई व्यक्ति आज जाता है कहता मैं भारतीय हूं, मैं भारत माता के उस इतने बड़े एक मंदिर में रहता हूं, किसने इतिहास बनाया कभी सोच के देखा, क्या है लक्षण, वोट वोट है क्या, प्रथम राष्ट्र दुनिया के अंदर इतिहास बना डाला। ट्रंप क्या कहता है, क्या कहता है ट्रंप पाकिस्तान को, कभी ऐसा किसी राष्ट्रपति ने किया, पाकिस्तान को कहा सुधर जाओ, ने तो ओसामा लादेन की तरह दाऊद इब्राहिम और जितने भी आतंकवादी घुस घुस के ठोकेंगे, किसके कहने किसकी हिम्मत हुई, नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती, कोई कांग्रेस विचारधारा का होगा, किसी और विचारधारा का होगा, पर सबको कहूंगा राष्ट्र को प्रथम समझो, जब राष्ट्र को आप प्रथम समझ लोगे तो फिर सारे झंझट खत्म हो जाएंगे।